बीजेपी ने 3 राज्यों में परचम बहुमत हासिल कर जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के नतीजे रविवार को आए। अगर देखा जाए तो तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है। जीत के बाद पार्टी में जश्न का माहौल भी नजर आ रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में इन राज्यों में कांग्रेस ने बीजेपी को शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो पहले से ही बीजेपी की यहाँ सरकार थी, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सत्ता में कांग्रेस काबिज थी। बीजेपी के नेता खुद ये मान रहे थे कि ऐसी जीत उन्हें 3 राज्यों में मिली है वो उनकी कल्पना से बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि एग्जिट पोल में भी दोनों पार्टियों के बीच बेहद करीबी मुकाबला नजर आ रहा था, लेकिन जब कल नतीजे सामने आए तो वो एक तरफा जीत बीजेपी के लिए दिखाई दी। चलिए अब बीजेपी की जीत के कारण क्या रहे वो जानने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ने बीजेपी को जिताया। अगर तीनों राज्यों की हम बात करें तो बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाकर चुनावी मैदान में उतरी थी। उनकी लोकप्रियता लगातार बरकरार है। पार्टी के उम्मीदवारों को अपने प्रतिद्वंदियों से आगे निकलने में मदद कहीं ना कहीं की गई है, तो इस वजह से पार्टी नेताओं ने भी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। जीत के लिए पीएम मोदी की लोकप्रियता को इसलिए भी श्रेय दिया जा रहा है क्योंकि पिछली बार जब 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जोरदार जीत हासिल की थी। अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनावों में पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2014 से भी ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में वापसी की थी। अब ऐसे में ये विश्वास बन रहा है कि मतदाताओं के बीच पीएम मोदी की स्वीकार्यता पर भरोसा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेता के रूप में लगातार छवि पेश कर रहे हैं और बताया है कि कैसे उन्होंने वैश्विक परिदृश्य में भारत की स्थिति को बेहतर किया है। तो इस तरह से बीजेपी हर राज्य में जाति और वर्ग की सीमाओं से ऊपर उठकर अपना समर्थन आधार मूल मजबूत करने में सफल रही है। कमजोर स्थिति में होने के बावजूद बीजेपी छत्तीसगढ़ की 34 आदिवासी सीटों में से 20 पर नेतृत्व करने में कामयाब रही। छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट बहुत मायने रखता है। दिखाता है कि जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर पीएम मोदी की स्वीकार्यता और मतदाताओं का उन पर भरोसा है। महिला वोटर्स ने दिया बीजेपी को बम्पर वोट। अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं महिला मतदाताओं के बीच काफी ज्यादा प्रमुख रही। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी ने छत्तीसगढ़ में भी ऐसी स्कीम्स की घोषणा की थी जो महिलाओं के हित में है। उनके मैनिफेस्टो पर आप नजर डालेंगे तो महिलाओं पर केंद्रित स्कीम की भरमार थी। एमपी में सीएम शिवराज अपनी योजनाओं के चलते महिला मतदाताओं के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय रहे, फेमस रहे। उन्हें मामा की उपाधि दी गई है। वहां 2,60,00,000 महिला वोटर्स हैं और राज्य की लाडली बहनाओं और लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं के 1,00,00,000 से भी ज्यादा लाभार्थी। इस बार एमपी में शिवराज सिंह चौहान के नैया पार कराने में इन योजनाओं की अहम भूमिका मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी 7 नवंबर को फर्स्ट फेज की वोटिंग से सिर्फ 4 दिन पहले महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान करके बीजेपी ने पूरा का पूरा गेम पलट दिया। गरीब परिवारों के लिए 500 रुपए का गैस सिलेंडर, शादीशुदा महिलाओं को हर साल 12,000 रुपए की मदद जैसी घोषणाएं कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो स्कीम थी उस पर भारी पड़ गई। हिंदुत्व विकास और कल्याणकारी योजनाएं रही जीत में शामिल। अगर कुछ खबरों की माने तो हिंदुत्व कार्ड, विकास और जनता के लिए पार्टी की कल्याणकारी योजनाओं ने जमीनी स्तर पर बेहतर काम किया और कांग्रेस को शिकस्त देने में इसमें बेहतर रोल हुआ है। कल्याणकारी उपायों को मोदी की गारंटी के रूप में उजागर करना, चुनावी अभियान में कहना कि पार्टी ने हिंदू बहुमत के हितों को सबसे आगे रखा, इन सभी ने पार्टियों को अच्छे नतीजे हासिल करने में मदद हासिल की है। राजस्थान जैसे राज्य में बीजेपी के चुनावी पोस्टर्स में युवाओं के लिए रोजगार, बिजली, पानी और अच्छी कानून व्यवस्था प्रणाली का वादा किया गया। रोजगार पाएंगे बीजेपी को लाएंगे और गुंडागर्दी हटाएंगे बीजेपी को लाएंगे, जैसे नारे पार्टी को पोस्टर्स में खूब देखने के लिए मिले। बीजेपी की संगठनात्मक ताकत असली जीत की वजह बताई जा रही है। देखिए अगर बीजेपी की हम बात करें तो यहाँ पर पिछले चुनावों में देखा गया कि मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दलों के लिए अलग अलग राय देते थे, लेकिन बीजेपी संतर को बदलने में सफल रही। लोकसभा में पार्टी की जीत ने राज्यों में भी अपनी छाप छोड़ दी। पार्टी ने अपनी संगठनात्मक ताकत और पार्टी सरकार के बीच समन्वय पर ध्यान केंद्रित किया है। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ही नजर आता है। कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन हमेशा बढ़ाया गया और यही वजह रही कि बीजेपी को इन 3 राज्यों में बंपर जीत मिली है। कांग्रेस की योजनाओं में कमी बीजेपी की जीत की गारंटी बनी, बिल्कुल हो सकता है। तीनों राज्यों में जीत के लिए कांग्रेस ने मजबूत वेलफेयर मॉडल प्रस्तुत किया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और दोनों ही जगह उसने जनता के लिए खास कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की, लेकिन उसमें शायद कुछ खामियां थीं। इन खामियों को बीजेपी नेताओं ने बार बार उठाया, इसका फायदा उनको नतीजों में मिला।
जैसे अशोक गहलोत के वेलफेयर मॉडल में कई लूप होल थे, उनके अपने ही विधायकों और मंत्री ने बार बार उठाया। उनके एक विधायक ने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। यानी ये कहा जा सकता है कि भले ही कांग्रेस ने बहुत ज्यादा मेहनत की हो, लेकिन जो योजनाएं वो 2018 में जो वादे किए थे वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए हैं, और 2023 के लिए जो इन्होंने और घोषणाएं की थी उस पर जनता विश्वास नहीं कर पा रही थी, जिसका फायदा बीजेपी ने बखूबी उठाया है।